Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn how to pronounce letter O. Friends, comment box में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि letter O का आवाज कब क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं, letter O का आवाज अ, आ, ओ, ओ होता है. तो फिर कैसे समझें कि letter O का आवाज कब क्या होता है? तो आइए friends, letter O का आवाज सीखते हैं. Friends, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ हो तो यहां ओ का आवाज आ होता है. जैसे आप देख सकते हैं, यहां एक कॉन्सोनेंट है यानी टी आया हुआ है और यहां भी एक कॉन्सोनेंट है यानी पी आया हुआ है. तो ये दो कॉन्सोनेंट है और बीच में आया है ओ. तो इस तरह के वर्ड जहां ओ दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तो ओ का आवाज आ होता है. जैसे हम इसे कहेंगे डॉग, ये आ का मात्रा है, इसे हम खींच कर बोलेंगे. डॉग, बॉग, लॉस, फॉग, बॉस, मॉस, प्लॉट, क्लॉट, डॉट, स्लॉट, कॉट, नॉट, रॉड, बॉक्स, लॉस्ट, सॉफ्ट. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इन सभी में ओ का आवाज आ होता है. उम्मीद करता हूं यह कंसेप्ट आप समझे होंगे कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ हो तो ओ का आवाज आ होता है. फ्रेंड्स, अभी हमने सीखा कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ हो तो ओ का आवाज आ होता है. लेकिन फ्रेंड्स, अगर दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई आया हो तो ओ का आवाज ओ होता है. यानी अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया हो और दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई आया हो तो ओ का आवाज ओ होगा. जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दो कॉन्सोनेंट है और उसके बीच में ओ आया हुआ है और दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई आया हुआ है, तो यहां ओ का आवाज ओ होगा. हम इसे कहेंगे बोन, इसे कहेंगे होन, फोन, कोन, ड्रोन, नो, रोट, होप, ब्लॉक, पोप, रोप, ओट, नोट. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह कंसेप्ट आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ हो और दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई आया हो तो ओ का आवाज ओ होगा. आइए अगला रूल देखते हैं. फ्रेंड्स, वर्ड के लास्ट में आने वाले ओ का आवाज ओ होता है. यानी अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो तो इस तरह के ओ का आवाज ओ होता है. जैसे गो, नो, सो, जीरो, हीरो, गस्टो, मेट्रो, मोटो, मेमो, आचो, डिचो, ईगो, सोलो. आइए फ्रेंड्स, लेटर ओ का लास्ट रूल देखते हैं. फ्रेंड्स, जब एक से ज्यादा वर्ड पार्ट वाले वर्ड के लास्ट में ओ आर या ओ आन हो तो ओ का आवाज अ होता है. कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिले जिसके लास्ट में ओ आन या ओ आर हो तो इस तरह के वर्ड में ओ का आवाज अ होता है. जैसा कि अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि सभी वर्ड्स के लास्ट में ओ आन, ओ आर, ओ आन, ओ आर, ओ आन, ओ आर, ओ आर आया है. तो इन सभी वर्ड्स में ओ का आवाज अ होगा. जैसे लेसन, इंस्पेक्टर, रिबन, ट्यूचर, यूनियन, ट्रेचर, वॉरियर. तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि लेटर ओ का आवाज आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा. फ्रेंड्स, मेरा टीचिंग आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एससी का साउंड क्या होता है या एससी का आवाज कैसे समझें. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, एससी का दो आवाज होता है, पहला स और दूसरा अस्क. तो चलिए एक एक करके देखें कि कब आपको एससी का आवाज स कहना है और कब आपको एससी का आवाज अस्क कहना है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं.
फ्रेंड्स, जब एसी के बाद ई आई वाई हो तो एसी का आवाज स होता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तीन एग्जांपल्स लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसी आया हुआ है और एसी के बाद ई आया है, तो जब एसी के बाद ई आता है तो एसी का आवाज स होता है, हम इसे कहेंगे सीन। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एसी आया है और एसी के बाद वाई आया है, तो जब एसी के बाद वाई आता है तो एसी का आवाज होता है स, हम इसे कहेंगे साइड। आप यहाँ देख सकते हैं एसी आया है और एसी के बाद आई आया है, तो जब एसी के बाद आई आता है तो एसी का आवाज होता है स, हम इसे कहेंगे साइंस। तो फ्रेंड्स, जब एसी के बाद ई आई वाई हो तो एसी का आवाज स होता है। आइए अगला रूल देखते हैं। जब एसी के बाद ए ओ यू हो या कोई कॉन्सोनेंट हो तो एसी का आवाज अस्क होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एसी लिखा है और एसी के बाद आया है यू, तो जब एसी के बाद यू आता है तो एसी का आवाज अस्क होता है, हम इसे कहते हैं रेस्क्यू। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एसी आया है, उसके बाद आया है ओ, तो जब एसी के बाद ओ आता है तो एसी का आवाज होता है अस्क, हम इसे कहेंगे स्कोर। यहाँ एसी आया है और एसी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, तो जब एसी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो एसी का आवाज होगा अस्क, हम कहेंगे स्क्रॉल। आप यहाँ देख सकते हैं एसी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, हम कहते हैं स्क्रीन। यहाँ भी एसी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, हम कहते हैं स्क्रैच। यहाँ एसी के बाद ए आया है और जब एसी के बाद ए आता है तो हम एसी का आवाज अस्क कहते हैं, यानी हम कहेंगे स्कैन। यहाँ भी एसी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है, इसलिए एसी का आवाज अस्क होगा, हम कहेंगे स्क्रिप्ट। यहाँ एसी के बाद यू आया है, तो जब एसी के बाद यू आता है तो एसी का आवाज अस्क होता है, हम कहेंगे स्कम। यहाँ एसी के बाद ए आया है, इसलिए हम इसे स्केल बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आया कि जब एसी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट हो तो एसी का आवाज अस्क होगा। आइए फ्रेंड्स अगला रूल देखें। फ्रेंड्स, आइए एसी का लास्ट रूल देखें। जब एसी के बाद आई ई एन या आई ओ यू एस हो तो एसी का आवाज श होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं यहां पर एसी लिखा हुआ है और उसके बाद आई ओ यू एस आया हुआ है, तो यहां एसी का आवाज श होगा, इसे हम कहते हैं कासस। आप यहां देख सकते हैं यहां पर एसी लिखा हुआ है और एसी के बाद आया है आई ओ यू एस, इसलिए इस वर्ड का आवाज होता है लशस। आप यहां देख सकते हैं यहां एसी लिखा है और एसी के बाद आई ई एन आया है, तो जैसा कि आप जानते हैं अगर एसी के बाद आई ई एन आए तो एसी का आवाज श होता है और इसका आवाज है कॉन्शस। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आया कि अगर एसी के बाद आई ई एन या आई ओ यू एस हो तो एसी का आवाज श होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह लेसन समझ में आया तो बताएं यहां एसी का आवाज क्या है, मतलब क्या यहां एसी का आवाज स या अस्क या श है? आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे अभी शेयर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।